हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। टीना किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ बेलगिरी का जूस शेयर कर रही हूँ। आइए हम बेलगिरी का जूस बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह की होती है ये बेलगिरी। ये बाहर से बहुत ही हार्ड होती है और अंदर से सॉफ्ट होती है। इसका जूस भी बहुत ठंडा रहता है गर्मियों के दिनों में। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे हम तोड़ लेते हैं। अभी आप किसी भी चीज की मदद से इसे तोड़ सकते हैं, बेलन ले सकते हैं। मैं यहाँ कूटने वाला ले रही हूँ। ये देखिए, तोड़ने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट है ये अंदर से। ये देखिए, और काफी अच्छी खुशबू भी आ रही है इसमें और मीठा भी है ये काफी। अब इसका जो पल्प है हम स्पून से बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए, स्पून की सहायता से हम इसे बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, पूरे पल्प को हमने एक बॉल में निकाल लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ एक ग्लास पानी। मैं यहाँ विस्क की मदद से इस तरह से इसे मिक्स कर रही हूँ ताकि इसका पल्प है जो पूरा रस्सा है पानी में घुल जाए। आप चाहें तो हाथ से भी इसे मैश कर सकते हैं। देखिए, अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम छल्ले लेंगे और नीचे एक मैंने कांच का बॉल लिया है, इसमें हम छान लेंगे इसे। ये देखिए, बेलगिरी का जूस हमने छान लिया है अच्छे से। पानी डालने के बाद इसकी मिठास थोड़ी कम हो जाती है। आप बिना चीनी भी इसे पी सकते हैं, लेकिन इसमें मैं पाउडर शुगर डाल रही हूँ एक चम्मच। ये ऑप्शनल है, ये थोड़ा मीठा हो जाएगा इसलिए मैं डाल रही हूँ। मैंने यहाँ एक चम्मच पाउडर शुगर डाला है। इसको मीठे को बैलेंस करने के लिए, थोड़ा चटपटा टेस्ट देने के लिए हल्का से मैं डाल रही हूँ इसमें ब्लैक सॉल्ट। पीने में टेस्टी लगता है ये ब्लैक सॉल्ट डालने के बाद। अब हम एक ग्लास लेंगे, ग्लास में डालेंगे आइस क्यूब, थोड़ी डालेंगे पुदीने की पत्ती। फ्रेश पुदीने की पत्ती को तोड़ के डाल देंगे। अभी जूस को डालेंगे हम ग्लास पे। ये देखिए, हमारा बेलगिरी का जूस बनकर रेडी है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें न्यू मोर रेसिपीज के लिए। हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।